मोहम्मद लतीफ अलती जी जी सैफिन अजीज यू मोहम्मद लतीफ रमजानी सैफिन अब्दुल रशीद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये चीज का कोई अलाट हुए थे, कुछ 335 सारे फॉर्म फिल हुए थे, 335 फैमिली को देना था और उसके बाद 87 और इसमें एडिशन हुए थे, जो 322 जो काम में वो सारे काम आज हो रहे हैं। काम क्या? काम में हाउस HFA हाउस फॉर ऑल, मतलब जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कोई रहने का शेल्टर नहीं है, उनको मकान देना। इसमें इस प्रोसीजर इसमें प्रोविज़न में ये है कि 1,66,000 रुपया हम देते हैं अपनी तरफ से और वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। पहले वो प्लंथ निकालेगा और फिर उसके बाद चिनाई करेगा, उसके बाद लेंटर डालेगा और उसमें खुद भी आदमी को शेयर करना पड़ता है, उसमें खुद भी आदमी को शेयर करना पड़ता है को 3,00,000 रुपया। और ये हम ये चाहते हैं कि ये चुप आदमी काम करें और जिनके लिए ये मकान की सुविधा है, जिनके लिए ये व्यवस्था बनी है, वो जितना जल्दी काम ख़त्म करेंगे उनका जल्दी पेमेंट होगी। सर इसके लिए कैटेगरी क्या रखी हुई है? कैटेगरी है इनके लिए जिनके पास हाउस नहीं है और इनकम बाहर है, मतलब ये नहीं है कि कोई गेस्टेड ऑफिसर है उसी को मकान बनाने। इसके लिए कितनी इनकम रखी हुई है? वो BPL के जो दायरे में आते हैं, जो भी जिनके लिए मकान, जिनकी इनकम नॉमिनल इनकम है, जिनके लिए घर के लिए, जिनके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, साधन नहीं है घर चलने के लिए, उनके लिए हो सकता। नंबर 2 के मकान, इसमें ये होता है कि इसमें आपकी म्यूटेशन होनी चाहिए, लैंड की, जिस लैंड पर मकान बनाना है उसकी म्यूटेशन होनी चाहिए, अलाटमेंट होनी चाहिए और लीगल अलाटमेंट होगी तभी हम ये प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के बिना पर ये उनको पैसे सेंक्शन करवाते हैं। तो सर आज कितने लोगों ने आपको पहले कहा कि 87 का लॉट है ये, 87 में हमारे पास प्रोसेस सारा है, 87 को हम डिस्पर्स कर दें उनका काम चल जाएगा। पहले तो काम पहले भी चला हुआ है 325 का, वो ये जो 87 का जो के लिए हमने ये बनाया है, वो 87 के लिए ये प्रोसेस शुरू हो, ये हमारी सर डिस्पर्स किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इसमें एक उसका पार्ट है फॉर ऑल, जो भी गरीब लोग हैं अपने खुद के मकान नहीं बना सकते हैं वो, उनके लिए ये स्कीम है। और मिडिल जो ग्रुप के इनकम के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। तो हमारे टाउन में 235 पहले हमने सेंक्शन दिए हुए हैं और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो उसकी 87 की आई है। तो आज हमने 87 के आर्डर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो पहले भी हमारे जो 235 के उनके काम चल रहे हैं। तो हमने सेंटर जो स्कीम है हमारी सेंटर स्पेशल, इसके तहत हमने 1,66,660 रुपये हर एक आदमी को देने हैं जो भी मकान बना रहा है हमारी स्कीम पर। अभी सर कोई रहता है उसके लिए क्या प्रोसीजर? उसके लिए प्रोसीजर ये है कि वो हमें अप्रोच करेगा, वो देखेंगे, एक तो लैंड सरकारी नहीं होनी चाहिए, लॉटेड ज़मीन पर हम नहीं देते, उसकी मालकी होनी चाहिए और वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए, वो रहने वाला इधर का होना चाहिए और उसका राशन कार्ड, क्या नाम है इसका, आधार कार्ड वगैरह सब इधर का होना चाहिए।